गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अब तारीख पर तारीख नहीं चलेगी, बल्कि अधिकारियों व कर्मचारियों को जनता के काम करने पड़ेंगे। शुक्रवार को गृह मंत्री ने परिवेदना समिति की बैठक में पीडब्ल्यूडी एसआई को चेताते हुए यह बात कही। लाखन माजरा के गांव में सड़क निर्माण संबंधी एक शिकायत पर सुनवाई करते हुए गृह मंत्री ने एसआई को कहा कि उन्हें पता नहीं था कि अनिल विज आ रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि वे बैठक में पूरी तैयारी से आए। बैठक के दौरान अव्यवस्था को देखकर गृह मंत्री ने पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा को भी चेताया और कहा कि व्यवस्था सही नहीं चल रही है। बिजली निगम की एक शिकायत पर सुनवाई करते हुए गृह मंत्री ने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि फर्जी शपथ पत्र मामले की जांच ना करने वाले संबंधित पुलिस कर्मी को निलंबित किया जाए और आगामी बैठक में पूरे मामले की रिपोर्ट रखी जाए। महम के विधायक बलराज कुंडू ने पीजीआई के अमृत स्टोर में महंगी दवाएं बेचने और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए मामला उठाया। गृह मंत्री अनिल विज के सामने उस समय लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में हंगामा हो गया जब विज एजेंटे में शामिल 14 शिकायतों से आगे अव्यवस्था के चलते पब्लिक की शिकायत नहीं सुन सके। सैकड़ों लोगों की शिकायत बिना सुने लेने के बाद जब विज बाहर जाने लगे तो फरियाद लेकर आई कई महिलाएं रोने लगी। विज ने अव्यवस्था के लिए ना केवल एसपी को खरी खोटी सुनाई बल्कि हिदायत दी कि इस तरह की आगे की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। डीसी को कहा कि सभी लोगों को शिकायत एक रजिस्टर में दर्ज करें। साथ ही संबंधित व्यक्ति को बताया कि उनकी जांच कौन सा विभाग कर रहा है, अगले माह जब वे आएंगे तब तक संबंधित विभाग के अधिकारी से जवाब मांगेंगे। इससे पहले विज ने फर्जी शपथ पत्र के आरोप की जांच न करने पर जिम्मेदार पुलिस कर्मी को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। साथ ही महम विधायक बलराज कुंडू की पीजीआई एमएस और शहरी निकाय विभाग को जांच के आदेश दे दिए हैं। गृह मंत्री अनिल विज अपनी कार्यशैली व इंसाफ के तरीके से दबंग अंदाज रखते हैं। इन्होंने लिखा है कि हमें पूरी तनख्वाह नहीं दी जा रही है, 2000 रुपए दिए जा रहे हैं। क्या मिनिमम वेज क्या है? 12000। ये 9000 शुद्ध है कहिए। सर इसलिए हमने कमेटी बना दी। कमेटी आपकी मस्ती रेवी पड़ता है, दर्ज कराओ इस चीज का। क्या ऐसी लूट नहीं होने दूंगा मैं, पर्चा दर्ज करवाओ इसके खिलाफ, कार्रवाई करो। रुकिए डायरेक्टर साहब, रुकिए आप। मीर साहब मैं आपकी संज्ञान में डालना चाहता हूँ, ये तो बहुत छोटी लूट है। कल आपने देखा इतनी बड़ी लूट मतलब की थी जाएगी। मैं तो एक मिनट मैं भाई, ये डीसी साहब जितने लोग मेरे को दरखास्त देंगे ये सारी आपने रजिस्टर करनी है और इनको एक्नॉलेजमेंट भेजनी है कि किस विभाग को रेफर किया, ताकि फर्दर वो जाकर वो आए तो उस डिपार्टमेंट के से पूछा जा सके। जितने भी लोग देना चाहते हैं शिकायत वो सबकी मैं शिकायत लेके जाऊंगा। मेरे दफ्तर में जो मुझे भी मिलती है 100% नहीं, इसका अलग से कम्प्यूटराइजेशन करके जो मेरे को दी है इसका अलग से। आज डायरेक्टर साहब आए में बड़ा अच्छा हुआ। कल आपने शायद थोड़ी बहुत न्यूज वगैरह में आपने देखी होंगी। आप चुप हो गए थोड़ी, तो आपके लिए बात कर रहा हूं मैं, जरा साइलेंट हो जाए थोड़ी देर प्लीज, मेहरबानी करके आप रुकिए एक मिनट आराम से। तो ये मैं कल मैं पीजीआई गया था जी, अमृत फार्मेसी के नाम से एक वहां गरीब लोगों के लिए, क्योंकि पीजीआई के अंदर गरीब आदमी को उम्मीद लेकर इलाज कराने जाता है। जो मेरे पास कई दिन से ये मैं आपको दे रहा हूं डॉक्यूमेंट, जो मेरे को लोगों ने दिए थे कि अमृत फार्मेसी में बाहर की जो आउटसाइड की जो दुकान है उसे 40% ज्यादा रेटों में, जिसमें 10% से 90% की सब्सिडी देकर जो सस्ती दवाइयां देने का काम करते हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की स्कीम है। लेकिन मैंने परसों अपने नाम से कार्ड बनवाकर उसमें दवाई लगवाकर उसको परचेज किया। मैं हैरान हो गया देखकर कि 40 से 50% तक रेटों में हायर रेट में वो दे रही है। और मैं कल वीसी साहब को डायरेक्टर साहब को साथ लेके मैंने अमृत उस शॉप पे जो छापा मारा और वो मेरे पास अभी आपको दूंगा मैं, वो दवाइयां खरीदी हुई है पक्के बिल, ये पक्के बिल इसमें लगा दी है मैंने सारी चीज। ये इतना ऐसी बिल तो देते ही नहीं है। वो बिल वो तो सामने वहां पे जो लोगों ने आए वो बिल भी नहीं देते, वो कहते हैं दिल्ली से बिल आएंगे हमारे बना। इतना बड़ा एक घपला और डायरेक्टर साहब के सामने और वीसी साहब के सामने सारी चीजें मैंने एक एक चीज, और उसके बाद भी देख रहे कह रहे हैं
कि हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे, इसको चेक कराएंगे। इससे बड़ा इंक्वायरी क्या होगी जो मैं उनके सामने सारी, और उसके बाद मौजूदा वहां पे सामने वार्ड 12 के पेशेंट जो वहां एडमिट थे उन्होंने आगे इतनी सारी बातें बताई, वो आप रिकॉर्डिंग है, आप में आपके पास में भी आगे होगी, नहीं मैं भेज दूंगा। कितना बड़ा एक स्कैंडल इसके रूप में वहां चल रहा है। और आज मेरे को पता लगा था कल तीन डॉक्टर की कोई कमेटी गठित कर दी गई है वीसी साहब ने। मेरे को एक लेटर मिला कि ये कंप्लेंट तो 4/12 को ऑलरेडी इनके पास ऑफिशियली डॉक्टर ने लिख के दे रखी है डायरेक्टर साहब को, अब ये दवाइयां यहां ज्यादा महंगी मिल रही हैं, अब क्या नई क्या वो करेंगे, ये देखो ऑफिशियली लेटर है, इनका इंटरनल लेटर है जिसकी डॉक्टर ने डायरेक्टर साहब को इनको लिखा हुआ कि यहां पर दवाइयां बहुत महंगी दे रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा खेल एमएस का ऑफिस सामने है और ये अपनी जिम्मेवारी से कितना बड़ा स्कैंडल, और अनऑफिशियल दुकान भी अनऑफिशियली है, अमृत की जो ऑफिशियली दुकान है वो 12 आउटसाइड में है, ऐसी जगह पे दुकान खोल ली, अगर उस दुकान को ऑप्शन करे तो 30 लाख रुपए महीना में कम से कम उस दुकान को लेने वाले बैठे होंगे, और उनको बिजली पानी सब कुछ फ्री दे गए। इतनी बताई आपसे उम्मीद है इन लोगों को, अगर जिस प्रकार गरीब का गला काटा गया आप तुरंत एक्शन लेंगे। अच्छा एक दो चीजें और हैं जो आपकी संज्ञान में, यहाँ के जो बड़े बड़े चीजें हैं जहाँ यूएलबी आपके विभाग के अंदर, ये मेरे महम का है जो मैं आपकी नॉलेज में डाल रहा हूँ, इसमें पूरी चीजें डिटेल लिखी हैं। ये बड़ा गंभीर मामला यहाँ पे रोहतक के अंदर चला रहा है, आपसे हमें पूरी उम्मीद है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके आप इस पे एक्शन लेंगे। भाई ये यूएलबी को कहे मुझे जांच करके 15 दिन में रिपोर्ट दे। धन्यवाद जी सर। अच्छा एक बात मैं और निवेदन आपसे करना चाहता हूँ जी, एक बच्चा है इंडिया रैंकिंग 37 है उसकी बच्चे की, इतना ब्रिलियंट बच्चा है और वो बोटनी में पीएचडी कर रहा है एमडीयू के अंदर। इतना दुर्भाग्य है कि उसकी मां की उम्र की एक प्रोफेसर ने उसे पैसे मांगे और उसने रिकॉर्डिंग कर दी, आपको भी मैं रिकॉर्डिंग दे रहा हूं, एक मिनट जी सुन ले बात सुन, उसकी रिकॉर्डिंग है, उस बच्चे से पैसे मांगे जो उसकी फेलोशिप मिलती है, अब मुझे पैसे दो मेरे कमरे में एसी लगाओ, और उस ये दुर्भाग्य उस बच्चे के खिलाफ केस दर्ज करो, यही एमडीयू का रोहतक का जी, एमडीयू का हाँ जी कहां है डांगी साहब, और ये जो ये बच्चा ब्रिलियंट बच्चा है जी यूपीएससी में जाने का, इसको इतनी हराज एसपी साहब से मिला कोई सॉल्यूशन नहीं, इतना ब्रिलियंट बच्चा इसके खिलाफ अगेंस्ट केस दर्ज करके ये जमानत पत्र रहा है, ये बच्चा एसपी साहब ने हमारा नहीं किया, ये जमानत पत्र रहा जी नहीं हमारी नहीं, और ये जो सीआरपीएफ से जो 40 आदमी सारी उम्र जिसने वहां पर कराई आज इसके बच्चे के लिए आज तक हर जगह रिपोर्ट करा लेकिन कोई सुनवाई नहीं इस बच्चे की, इस बच्चे का देखिए जी ये उस प्रोफेसर की बच्चे की उम्र का ये बच्चा है, ये रहा ये बता गया बेटा आ गया, ये जमानत पे है बच्चा, इसके खिलाफ ये लगा दिया कि मुझे फॉलो करता है मेरे साथ वो गलत क्योंकि इसने रिकॉर्डिंग कर रखी उसकी पैसे मांगे टॉकिंग, और ये तीन चार इसका कोई केस दर्ज नहीं किया गया, इसके खिलाफ केस दर्ज पहले किया हमने रिपोर्ट, जब जातिवाद न्यूज़पेपर बैंकर इसको विश्वास इशू हो रही है, रिपोर्ट पहले हमने की रखी है 20 तारीख ने, उसने 21 ने करी, एसपी साहब ने करी नहीं, ये डिप्टी कमांडेंट रिटायर है, ये रिपोर्ट सारी उम्र फौज में करने के बाद ये कुछ नहीं करेंगे जी, ये कुछ नहीं करेंगे जी, पहले आपने एसपी साहब कुछ नहीं करने वाले चीज में, बोलिए रिजेक्ट कर दिया एसपी साहब ने, रिजेक्ट करवा दिया एक सेकंड ये महिला विरुद्ध अपराध का मेरे पास शिकायत आई थी, ना तो मेरे ये संस्थान है ना वो महिला का विभाग है, एक सेकंड मेरे को बोलने मेरे खिलाफ एलिगेशन लगे तो मैं अपनी बात रखूंगा, हमने FIR करी थी, इस बच्चे को हमने शामिल जांच होने के लिए बुलाया था कि आपके पास जो भी एविडेंस है, ये किसी ने नहीं सुनी है मेरी साहब, ये सामने बच्चा ये है, ये पैरोल पे है बच्चा, ये इन्होंने अपनी च्वाइस में सर आपके चेले हैं हम आपके, एक दो चीजें बड़े गंभीर है कोई कार्रवाई, मैंने कह दिया मेरे बच्चे, मैंने जब कह दिया ना अनिल विज हूँ मैं, ठीक है ना, अरे एक और मैं आपके ऐसे नहीं, एक मिनट विज साहब, एक मिनट विज साहब, एक चीज और है मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये लोगों हमारे पास सारे दिन आते हैं, सारे दिन लोग आते हैं, पुलिस की कंप्लेंट तो हमें एसपी साहब से कितनी बार बात कर सकता है एमएलए, ये आपके एसपी साहब मेरे पास रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा आपको, मैंने इनसे बात की दोबारा फोन भरिया तो फोन नहीं उठाया,
चार पांच घंटे बाद मेरा फिर कहते हैं आपकी मेरी तो बात होगी थी, आप पब्लिक में इंप्रेशन देने के लिए जो है मेरे से बात क्यों ना करते हैं। ये मेरी रिकॉर्डिंग है, इलेक्ट्री साहब की मैं रिकॉर्डिंग दूंगा। और एक मिनट, ये मेरे चुनाव के टाइम पर, ये चुनाव के टाइम पर वो अभी लड़कों के जो इनके अगेंस्ट है ना, दांगी साहब के वो छोड़ दिए, और इनके अगेंस्ट मंत्री जी इतनी जल्दी कहां चल पड़े आप? ये पब्लिक खड़ी है अभी, JBD Banquets lie hai. Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।